अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्टली आई वांट टू अपोलोजाइज दैट आई कुड नॉट बी प्रेजेंट इन पर्सन एट दिस इवेंट ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स। आप बिजनेस वाले दुनिया से ताल्लुक रखते हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यही बहुत है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपकी मुलाकात ट्रैक्टर से होती होगी, या फिर अगर आप शहर में रहते हैं तो आपकी मुलाकात गाड़ियों से होती होगी। गांव का ट्रैक्टर भी महिंद्रा और शहर का स्कॉर्पियो भी महिंद्रा। तो आज बात करेंगे इसी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर आनंद महिंद्रा के बारे में। जानेंगे इनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं के बारे में भी, जो आमतौर पर बिजनेस टाइकून में नहीं होते हैं, या फिर अगर होते भी होंगे तो उसे दिखाते नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का YouTube चैनल। सबसे पहले जानते हैं इनके बचपन और पढ़ाई के बारे में। 1 मई 1955 को बॉम्बे में जन्मे आनंद महिंद्रा के पिताजी का नाम मिस्टर हरीश महिंद्रा और माताजी का नाम इंदिरा महिंद्रा है। इनके बचपन की पढ़ाई लॉरेंस स्कूल लवडेल में हुआ था। लवडेल भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतों के बीच एक छोटा सा शहर है। स्कूलिंग खत्म होने के बाद वो एक फिल्म मेकर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने साल 1977 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन ये परिवार के लिए काफ़ी नहीं था। बिजनेस घराने से आने की वजह से उन्हें MBA वाली फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ी और साल 1981 में उन्होंने हार्वर्ड के ही बिजनेस स्कूल से MBA का डिग्री लिया। अब आते हैं महिंद्रा कंपनी पर। महिंद्रा कंपनी, इसकी स्थापना साल 1945 में इनके दादाजी श्री जगदीश चंद्र महिंद्रा ने अपने भाई मिस्टर कैलाश चंद्र महिंद्रा और एक इन्वेस्टर मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ लुधियाना में शुरू किया था। 1947 में पार्टीशन के वक्त मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और बाद में वहां के पहले वित्त मंत्री बने। मिस्टर आनंद महिंद्रा के पिताजी हरीश महिंद्रा ज़्यादा बिजनेस नहीं संभाले। उनके दादाजी के बाद यह बिजनेस उनके अंकल मिस्टर केशव महिंद्रा ने ऑपरेट किया। साल 1981 में आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा स्टील में फाइनेंस डायरेक्टर के एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया। 8 साल बाद साल 1989 में वो उस कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। 4 अप्रैल 1991 को आनंद महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन बन गए और फिर 6 साल के बाद साल 1997 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुख्य बिजनेस था गाड़ी और ट्रैक्टर बनाना। साल 2001 में वो कंपनी के वाइस चेयरमैन बने और फिर साल 2012 में उनके अंकल मिस्टर केशव महिंद्रा के रिटायरमेंट के बाद वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप में चेयरमैन बन गए। साल 2016 में वो वापस उस पद पर नियुक्त किए गए। आज आनंद महिंद्रा भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक पर्याय बन चुके हैं। उनके करिश्माई नेतृत्व में कंपनी ने महिंद्रा स्कॉर्पियो, XUV500, महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा ट्रैक्टर जैसे वाहनों के साथ हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी खासी प्रसिद्धि हासिल की। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिंद्रा ऑटोमोबाइल हमेशा से अग्रणी रहा है। जीप से लेकर स्कॉर्पियो और फिर बोलेरो, इन गाड़ियों का जैसा क्रेज गाँव में दिखता है, इसे किसी और गाड़ियों के लिए ऐसा नहीं दिखता है। उन्हें बिजनेस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2004 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष उन्हें फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया था। उनके नाम पर ऐसे कई अन्य पुरस्कार और प्रशंसाएं हैं। कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक नॉन बैंकिंग संस्था थी, उसे मिस्टर आनंद महिंद्रा ने साल 2003 में बैंक में तब्दील किया और उसका नाम रखा कोटक महिंद्रा बैंक। आज यह निजी क्षेत्र के शीर्ष बैंकों में से एक है। साल 2013 में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने आनंद महिंद्रा को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना। साल 2014 में फॉर्चून मैगजीन ने उन्हें विश्व के 50 महानतम नेताओं में 40वें स्थान पर रखा था। साल 2016 में बैरॉन द्वारा जारी किए गए दुनिया भर के टॉप 30 CEO में आनंद महिंद्रा का भी नाम था, जिसमें वो अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस और गूगल के फाउंडर और अल्फाबेट के CEO लैरी पेज के साथ थे। यह बहुत ही सम्मानजनक बात है। यह मिस्टर महिंद्रा द्वारा दिखाए गए ग्लोबल लीडरशिप का नज़ारा था। साल 2018 में फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें भारत का 88वां सबसे अमीर व्यक्ति बताया। I think that if you don't keep your promises, then nobody comes back to talk to you anyway. कुल मिलाकर देखा जाए तो मिस्टर महिंद्रा का बिजनेस सेंस ऐसा है कि जहां ज्यादातर कंपनियां घाटे में रहती हैं, वहीं महिंद्रा कंपनी हर साल बेहतर परफॉर्मेंस देती है। 100 से भी अधिक देशों में इनका बिजनेस ऑपरेट होता है, जिसका रेवेन्यू लगभग $21 बिलियन है। रुपयों में बात करें तो यह लगभग 140,000 करोड़ रुपये हो जाता है। अब आप बैठ कर जीरो गिनते रहिए। ये हो गया इनका बिजनेस पहलू, लेकिन हम यहाँ पर बात करने आए हैं इनके व्यक्तित्व के एक दूसरे पहलू के बारे में भी। मिस्टर आनंद महिंद्रा भारत के शायद ऐसे पहले बिजनेस टाइकून हैं जो इतने विटी हैं।
ट्विटर पर इनके जोक्स और कुछ फनी इमेजेस बहुत ज्यादा वायरल होती है, जिसे लोगों का भरपूर प्यार भी मिलता है। देश के बड़े बड़े लोग अगर वो फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट या फिर राजनीति से ना हो तो लोग उसे ट्विटर पर ज्यादातर टैग करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के बीच महिंद्रा साहब इतने घुल मिल गए हैं कि वो उन्हें आसानी से टैग कर देते हैं। एक छोटे से मीम्स में भी उनके ट्विटर रिप्लाईज मजे लेकर पढ़े जाते हैं। एक बार एक महिंद्रा इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में एक यूजर ने पूछा था, सर कितना देती है? इस पर मिस्टर आनंद महिंद्रा का रिप्लाई था, यह इलेक्ट्रिक है, शॉक देती है। ऐसे ही एक दूसरे यूजर ने उनसे एक महिंद्रा थार गाड़ी बर्थडे गिफ्ट में देने को बोला था, तो इस पर मिस्टर महिंद्रा का रिप्लाई था कि ऐसे में तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। फोटोग्राफी में उनको विशेष रुचि है और साथ ही उनका फिल्म मेकिंग का ख्वाब किसी से छुपा हुआ नहीं है। म्यूजिक के शौकीन मिस्टर आनंद महिंद्रा ब्लूज सुनने का भी आनंद लेते हैं और साल 2011 से लगातार मुंबई में हर साल महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल का आयोजन भी करवाते हैं। वो कई इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर भी है। साल 1996 में उन्होंने नन्ही कली नाम की संस्था का स्थापना किया, जिसका उद्देश्य भारत में वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को शिक्षित करना है, और यह संस्था अब तक 1,30,000 से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित कर भी चुका है। साथ ही वे नंदी फाउंडेशन के बोर्ड अध्यक्ष भी हैं, जो ग्रामीण भारत में पीने का पानी, बच्चों के लिए शिक्षा, कृषि, व्यापार और बेरोजगार युवाओं को काम खोजने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। अभी हाल ही में वो अपने ऑफिस के बोर्डरूम में मीटिंग में यूज होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक बोटल्स को हटवा दिया है और रिफिलेबल वाटर बोटल रख दिया गया है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। बिजनेस से इतर यह सब कुछ ऐसे काम है जो आनंद महिंद्रा को बाकी के बिजनेस टाइकून से अलग बनाते हैं। आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में यह बिजनेस और आगे बढ़े और भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद करे। तो यह थी आनंद महिंद्रा की वो बातें जो उन्हें बाकी बिजनेसमैन से अलग बनाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे नए वीडियोज़ के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी को भी छू दें। नमस्कार, थैंक यू सो मच।